बाबा बाबा रंजू नहीं रंजू नहीं बंबई में थी वो मास्टर भाग गया। बंबई पहुंच के तमाम पुलिस स्टेशन में पूछताछ करनी पड़ी तो पता चला बांद्रा की एक चौकी में इसे एक होटल वाला बिठा गया है। बहुत गंदी बस्ती है वो, ना पूछो ना। अच्छा वो वक्त पे पहुंच गया, पर मास्टर साला 2 दिन किसी होटल में टिके रहे, फिल्म स्टूडियो के बारे में पूछताछ करते रहे, कैसा है कहाँ है, हीरोइन बनेगी। ये ट्यूशन चल रही थी मास्टर के साथ इसकी, और सिर पे चढ़ाओ इसको। और मास्टर सारा सारे गहने लेके चंपत हो गया। मैंने रिपोर्ट तो लिखवा दी है, पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा, और क्या पता पकड़ा जाएगा तो भी कुछ वापस मिलेगा या नहीं। छछुंदर कहीं की देख लियो, कही थी नामने कि आज ही आएंगे। नहीं आए, बंसीलाल की मोटर गाड़ी थी, उसने एन हमारे फाटक के सामने गाड़ी खड़ी की। उसको समझा देना जरा, अगर इस तरह परागा टपकेगा तो दोबारा हाथ पाए पे आएगी। अरे आने दो, पराग कोई फालतू में नहीं चढ़कता उसके ऊपर, मस्त आ रहा है भोसड़ी का। और उसको भी समझा देना जरा। कौन को? और कौन को? अरे तुम ही समझाओ, अपन नहीं बोलते ना। पीठ पीछे ही बोला करो तुम। बराबरी का हो गया है वो, अब कल शादी परसों बाप बन जाएगा। दादी के लिए कितनी बढ़िया वाली साड़ी लाया पराग भैया। अब का है री? अरे आई को कहो थोड़ा खुद भी अपने आंखों तले डाल लियो। कही थी बोली तुम्हें पसंद है ना, इधर उधर टटोल के देखा और सबके सब परे सरका दिया। सच्ची उनकी अभी से आंखों की जोत बहुत मंद पड़ गई है। ये लो, पराग ने तो सब घुटाला कर दिया। प्रभा बीबी जी जैसे उसे नीचे मत बुलाना है, बाराती देखेंगे तो डर के भाग जाएंगे। नहीं, इतना सारा 20-25 हजार का कपड़ा खरीदा पर उनके नाम के साड़ी लाना भूल गया लड़का। अरे जैसे वो पहनने ही वाली हो ना, गया होएगा गोवर्धन की दुकान से एक ठो उठा लाना। हमारा कहना ये कि अगर तुम ही जाके ले आओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा का? अच्छी सी किनारी वाली सिलक की चमचमाती लाना, पहने के ना पहने अपन से जितना बने उतना करना चाहिए अपन को। सच्ची कहा तो अपनी हालियत बना रखी है हमने। अरे सुधीर लाएगा ही बहुत कर। वो लाए चाहे ना लाए, अंजलि नहीं चूक सकती। वो आ जाती है तो सच्ची हिम्मत बंदी रहती है। काकी के क्या कहने, कौन-कौन स्टाइल वाली है, फटाफट एक काम करके दूसरा शुरू। सच्ची गए 10 बरस में उसने हर बात का बीड़ा उठाया है। रंजो तू चंदू काका को दूध तो दे। अंधियारा है, अंधियारा का है का? पारा इतना जाना है, जा बेटे। 2 हफ्ते बाद हमारा ही मैरिज है और हम ही से काम कराए रहे हो। तका सिंहासन में उठा के तेरी आरती उतारे। हाँ। तेरे मंडप में पराग का भी ब्याह है, वो नहीं कम करता। चीनी डाल के देना रंजो, इस मरी के आगे कुछ बोलना हो तो आपत। चंदू भैया ब्याह में शामिल होने आते हैं कि नहीं का पता? अरे आता है तो खुशी की बात है, नहीं आता तो उसकी मर्जी। हमने कहा कौन बात के बैरंग आया है, उनके जैसे भुगतो तो आ जाता है। भुगतो? कहा भुगता?
यहाँ का कम भुगते हम। अच्छा भुगता? अरे यार जरा सा लंगड़पना है, कम कोशिश करे हमने, पूरा लंगड़ा तो नहीं हुआ ना। पाव की बात नहीं, भीतर भी कई पिराता होता हमें क्या पता। अरे भाई बोले ना मुंह खोल के, करेंगे कोशिश। सारी बातें कहने काबिल नहीं होती। अरे उल्लू है तुम, काय पे चिढ़ते हो जी बैठे ठाले, कभी कोने बात की शिकायत नहीं करी उनने, जब देखो चेहरे पे खुशी। सारा गांव हंसता है, कहता होएगा भाई को घर से बाहर करके देवल का सहारा लेने पे मजबूर कर दिया भास्कर। सारा गांव जानता है कि चंदू भैया खुद होके देवल में उठ गए हैं। अरे भोजन तो यही से जाता है ना। तका, उनके यहाँ पे कोई हक नहीं है का? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये तू अंजलि को क्या कहने के लिए कह रही थी है? वे, पर आपकी बाबत मेरा तो कलेजा धड़कता है, पराई लड़की को हवेली में ला रहे हैं और ये ठहरा गुस्से, सुधीर भैया के नाम से परहेज करता है। कह रहा था अगर सुधीर काका ब्याह में आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। वो और उसका काका आपस में निपट लेंगे, अगले 10-15 दिन अच्छे भले निप जाए तो गंगा नहा लिए।